नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। पंच दिवसीय दीपोत्सव के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व का महत्व बहुत ही अधिक है। इस पर्व में लोग अस्त और फिर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार छठ पूजा का मुख्य पर्व 18 नवम्बर को प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 19 नवम्बर को प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूर्ण होगा। हालांकि पर्व का प्रारंभ तो नदी अथवा नहर के किनारे वेदी बनाने के साथ ही चतुर्थी से हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का विधि विधान से पालन करने वालों के जीवन में कभी भी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कोई दुख दर्द नहीं आता है तथा उन्हें मान सम्मान प्राप्त होने के साथ ही धन और वैभव में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए कौन कौन सी, आइए जानते हैं प्रचलन में है कई तरह की कथाएँ उनके बारे में। छठ पूजा को लेकर अनेक पौराणिक कथाओं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय के बाद भगवान राम राज्य की स्थापना करने के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की थी। श्री राम और सीता ने व्रत रखने के बाद सप्तमी को सूर्योदय से श्री राम और सीता ने व्रत रखने के बाद सप्तमी को सूर्योदय के समय और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके अलावा एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व पर अर्घ्य देने की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देकर यह परंपरा शुरू की थी। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करने का उल्लेख दिया गया है। वह अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए सूर्य की पूजा करती थी। इसके बाद है एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि यज्ञ करा कर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। उन्हें पुत्र तो हुआ परंतु वह जीवित नहीं रहा। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजा ने उनके बताए हुए अनुसार देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। बाद में षष्ठी को ही छठी मैया या छठ मैया कहा जाने लगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।